हीरो की फ्यूजिंग पेस्ट करूंगी। तो उसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच और लंबाई में तकरीबन जो मैंने 20 इंच लंबा लिया था और उसको मैंने कट कर लिया और कमीज के ऊपर मैंने उसको सेंटर से सेंटर मिलाते हुए तो पेस्ट कर लिया और उसके ऊपर उसको अच्छा सा आयरन करके तो फ्यूज किए। इस डिजाइनिंग के लिए मैंने गला ऊपर से 4 इंच खुला रखा और लंबाई में मैंने 4.5 इंच रखा है। तिरछे में मैंने 7.5 इंच पे निशान रख के तो वी का एक स्लिट बनाया और तिरछे में मैंने इसको मेजर किया 18 इंच तक और यहाँ पे एक लाइन बना दी है। इसकी सेंटर में जो लाइन है उसको मैंने गहरा कर लिया और बाकी बाइक की साइड पे तकरीबन मैंने 2 इंच फिर 1 इंच फिर 2 इंच फिर 2.5 इंच ऐसे करके मार्क लगा लिए कि अंदाजन जिधर मुझे इसके ऊपर पैटर्न ट्रेस कर और सारा स्केच अपना रेडी कर लिया। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर की सिल्क पेंट लिए है और उनके साथ में इसको सारा पैटर्न और सारी ब्रांचेज इस पर ट्रेस कर लूंगी और जैसे जैसे चावल टांका मैंने एम्ब्रॉयडरी के साथ किया तो यहाँ पे मैं ये सारा इसके साथ पेंट के साथ चावल टांका सा बना दूंगी, यानी रनिंग स्टिच से बोलते हैं। ये जल्दी से पैटर्न होगा, चाय का कप बनाइए और साथ में फ्री होके इस काम को कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारी ब्रांचेज इसके ऊपर ड्रा कर ली हैं और नीचे की तरफ जो हमने फ्यूजिंग पेपर जीरो की लगाई है तो वो हमारा ब्लॉटिंग पेपर का काम देगा। जितनी भी अगर कोई चांसेस हैं कि वो मोस्टली ज़्यादा कॉटन के ऊपर या सूती हम जो कपड़ा लेते हैं उसके ऊपर ये क्योंकि ये सिल्क पेंट जो थोड़ा वाटर फॉर्म में होता है पतला जैसे इंक की टाइप का तो उसके जो फैलने के चांसेस होते हैं वो तकरीबन 70-80% तक। तो ब्रांचेस के बाद जितने भी इसके ऊपर मैंने लीफ ड्रॉ किए थे तो सारे लीफ मैंने वो भी उसी के साथ पेंट के साथ मैंने सारे फिल कर लिए। तो ये काम करते हुए बड़ा मजा आ रहा था। तो आप भी जो है वो फ्री होके तो एंजॉय करके इस काम को कीजिएगा क्योंकि बड़ा जल्दी बन जाता है और बड़ा नीटेस्ट। और जो मेरी बहनें पहले से प्रैक्टिस रखती हैं मेहंदी लगाने की बड़ी अच्छी है तो उनको तो पैटर्न ट्रेस करने की भी जरूरत नहीं है, इजीली ये वर्कअप वो कर सकती हैं। इनकेस अगर आपके पास फ्यूजिंग पेपर भी नहीं है और फिर आपके कलर फैल रहे हैं तो आपने इसमें एक्रेलिक पेंट जो होते हैं वो भी आप इसमें मिक्स करके हल्का सा तो वो आप यूज़ करेंगे तो फिर भी आपकी ये कलर नहीं फेंकेंगे और आप इजीली उनके साथ वर्क कर सकती हैं। तो यहाँ पे जितने भी इसके ऊपर लीफ थे तो मैंने वो सारे पेंट के साथ ड्रॉ कर लिए। अभी मैंने इसकी कटिंग वगैरह नहीं की थी, नेक लाइन बना लेने के बाद फिर मैंने इसको बैक साइड से अच्छा सा जब ये ड्राई हो गया तो अच्छा सा इसको मैंने प्रेस किया। कलर ये निकलता नहीं है तो कई ये होता है कि कहीं कलर ये निकल तो नहीं जाएगा या फैलेगा तो नहीं, आपने 2 दिन के बाद इसको जो है वो वॉश करना है अगर जरूरत पड़े तो, और वरना आप इसको आयरन अच्छा सा कीजिएगा दबा के। यहाँ पे मैंने साइड्स की फिटिंग का निशान छोड़ते हुए मार्क लगा लिया और उसके ऊपर मैंने 2 इंच की फ्यूजिंग पेपर अटैच किया और जो फिटिंग की हमारी सिलाई थी उसके साथ से मैंने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ की है। और उसके बाद मैंने एक लीड लिया, आप कोई भी गोल चीज ले सकते हैं, तो लीड के साथ मैंने यहाँ पे 1/2 सर्कल एक हाफ सर्कल नीचे की तरफ और एक हाफ सर्कल ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हुए यहाँ पे मैंने पूरा पैटर्न ट्रेस कर दिया। करते हुए मेरा पेंट फैले ना तो उसके लिए मैंने एक लीड लिया और उसमें एक स्पंज का मैंने पीस रखा और उसके ऊपर पेंट डाल दिया और पेंट के बाद फिर मैंने यहाँ पे ये मार्कर की लीड लिया, ढक्कन यानी उसका लिया मार्कर का और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल इसके साथ ट्रेस कर लिया और बाद में मैंने इनकी फिलिंग की है। फिर जितने भी मैंने ये सर्कल ड्रॉ किए हुए थे तो सारे की मैंने फिलिंग कर दी है और ऊपर वाली शेप पे जो जिगजैग का पैटर्न बन के आ रहा था इसकी भी दोनों लाइंस मैंने ट्रेस कर ली है। ये पैटर्न जो है वो मैंने फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पे ट्रेस किया था और यहाँ पे आपको जो कपड़े दिख रहे हैं राइट और लेफ्ट तो ये मैंने एहतियात के तौर पर रखे थे क्योंकि वाइट ड्रेस थी तो मेरी वो पहले वाली जो ड्रेस थी उस पर हल्की हल्की जैसे छोटे छोटे होते हैं ड्रॉप से वो शायद मेरी जल्दी की वजह से उसमें कोई ड्रॉप आ गए थे तो मैं नहीं चाहती थी कि इस बार ये इस ड्रेस पे भी कुछ ऐसा हो तो उसको एहतियात के तौर पे मैंने वो जो हमारा कलर है वो इसके ऊपर ना आए तो मैंने दोनों साइड्स पे एहतियात से कपड़ा से उसको कवर कर दिया था। बस उतना पोर्शन रखा जितना मुझे उसके ऊपर डिज़ाइनिंग करनी थी
वो सामने रखा। और यहाँ पे सर्कल लगाते हुए मैं आपको एक टिप देती जाऊँ, अगर आप राइट से लेफ्ट आएंगे तो आपको ये सर्कल लगाते हुए थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगी तो आपको ये सारे एक सर्कल दिखाई देंगे और आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल इवन बन के आएगी। तो आप थोड़ी सारी ये टिप रख लीजिएगा, क्योंकि पहले मैं राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आई थी तो थोड़ा मुझे एक हाथ से वो कवर हो रही थी साइड, तो मुझे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो सेकंड टाइम जब मैंने इसको ड्रॉप ये सर्कल्स की लाइन लगाई है तो फिर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ आई। यहाँ पे आपने पहले एक जिगजैग वाला जो पैटर्न है उसको ड्रॉ करना है, उसके अंदर एक हाफ सर्कल बनाना है और उसके ऊपर से एक जैसे हम वाउ लिखते हैं तो वैसी एक शेप बना देनी। सेंटर में आपने एक पत्ती बनानी और पत्ती की साइड पे भी आपने ये ऐसी हार्ट की शेप के फ्लावर बना देने हैं इसमें। ऐसे करके मैंने ये सारा पैटर्न ड्रा कर लिया। कोई भी काम है थोड़ा मेहनत मांगता है और थोड़ी तवज्जो मांगता है, आप भी करेंगे तो इजीली हो जाएगा। आता है जो रिजल्ट इसका तो वो बहुत नाइस और बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आई होप कि आपको जो है वो मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो दिल दुखता है क्योंकि इतनी मेहनत के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ या बाकी जो भी जितनी भी वीडियोस बना रही हैं मेरी बहनें, तो हर काम जो है वो काफ़ी कम टाइम लेता है। और इस ड्रेस को बनाने के लिए मेरे 2 दिन तो लग गए थे, क्योंकि बीच में घर का भी देखना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो सारे मामला साथ साथ चलते हैं। लेकिन व्यूज़ पे आके फिर दिल दुखता है, क्योंकि वही 30, 35, 40 व्यूज़, इस पे उससे आगे चलती नहीं है वीडियो, तो दिल करता है कि बंदा चैनल डिलीट ही कर दे, ये किन कामों में पड़े हैं, छोड़ें इसको। बहरहाल अगर आप में से किसी बहन को मेरा ये काम पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। अपना और अपने रिश्तों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ पे आपने प्राइमा के सिल्क कलर ले लेने हैं और उसमें आपने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर आपने मिक्स करके तो फिर उसके साथ आपने ट्रेसिंग करनी है, तो इससे आपके जो कलर्स हैं वो फैलेंगे नहीं ये कॉटन पे। क्योंकि जो मेरे पास जो है ये समर की लेलन है, और जो मेरा थर्ड ड्रेस है जो कि वाइट कलर का है जिसे मैंने डिज़ाइन किया है, पहले 2 जो मैंने डिज़ाइन किए हैं तो वो उनकी वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप वो देख लीजिएगा। इसकी क्योंकि वीडियो ट्यूटोरियल मैंने अपलोड नहीं किया था तो इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज फाइनली इसको मैंने अपलोड कर दिया। तो यहाँ पे आपने प्राइमा के सिल्क कलर लेना, अगर आपको कोई और आपके पास कलर है तो फिर आप वो यूज़ कर लीजिएगा, वैसे ब्लू बर्ड के आ रहे हैं तो आप वो ट्राई कर लीजिएगा, वरना आप प्राइमा के सिल्क कलर लीजिएगा और साथ में आपने कोई सा भी फैब्रिक कलर या एक्रेलिक कलर दोनों को मिक्स करके आप तो जब वर्क करेंगी तो इजीली ये लग जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ना रनी रहता है और ना बहुत ज़्यादा ये थिक होता है, फैब्रिक पेंट जैसे थिक होते हैं थोड़े, तो इजीली आप वर्क कर पाएंगी। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपना अपने रिश्तों का रखिए बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।